Good morning, students. Today I am going to teach you noun and its kind. Students, as you know, there are 5 kinds of noun. इसका मतलब होता है कि noun के 5 प्रकार होते हैं. Noun के 5 प्रकार होते हैं. There are 5 kinds of noun. Proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. There are 5 kinds of noun. First, proper noun. Proper noun, it defines the particular name of a person, place or thing. इसका मतलब होता है ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को proper noun कहते हैं. मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे राम, राम कहने से किसी खास व्यक्ति, खास लड़का का नाम का पता चलता है. पटना, पटना कहने से किसी खास स्थान का पता चलता है. द गंगा, गंगा कहने से किसी खास एक नदी के नाम का पता चलता है. कोलगेट, कोलगेट कहने से किसी खास एक दंत मंजन का नाम का पता चलता है. जिस संज्ञा शब्द से हमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का पता चलता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. दूसरा, सेकेंड, कॉमन नाउन. ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए प्लेस. A common noun is the common name of a class of person, place or thing. इसका मतलब होता है common noun वह शब्द है, common noun वह संज्ञा है जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का पता न चल करके संपूर्ण जाति का पता चलता है. जैसे boy, boy कहने से हमें सारे लड़के का पता चलता है, किसी एक बच्चे का नहीं, सारे लड़के का पता चलता है. गर्ल, गर्ल कहने से हमें सारे लड़कियों का बोध होता है. कंट्री, कंट्री कहने से हमें सारे देशों का बोध होता है, न कि किसी एक कंट्री का. सिटी, सिटी कहने से दुनिया में जितने भी सिटी हैं, नगर हैं, उसका पता चलता है. इसीलिए कॉमन नाउन वह शब्द है जिससे हमें किसी एक का पता न चल करके पूरे जाति भर का बोध होता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. तीसरा, कलेक्टिव नाउन. ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्संस, थिंग्स. मतलब होता है कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा है जिससे हमें संयुक्त रूप से किसी स्थान, वस्तु का बोध होता है. कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब होता है समूह में. समूह वाचक संज्ञा, इसे हिंदी में समूह वाचक संज्ञा भी कहते हैं. समूह वाचक संज्ञा में जो हमें समूह का बोध कराता हो, जिससे हमें किसी भीड़भाड़ या समूह वाले जगहों का बोध कराता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जिसमें क्लास, क्लास कहने से क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लड़का और लड़के और लड़कियां होती है, जो भीड़ का को दर्शाता है. क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़. भीड़ में एक नहीं, अनेक लोग इकट्ठे जमा रहते हैं. आर्मी, आर्मी कहने से उसमें अनेक सेना होते हैं, जो हमें भीड़ भाड़ का बोध कराता है. फ्लॉक, फ्लॉक मन होता है झुंड. टीम, टीम का मतलब होता है दल, जिसमें बहुत सारे लड़के, लड़कियां, बच्चे, आदमी और औरतें हो सकती है. तो ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. बच्चे, कलेक्टिव नाउन के लिए हम जैसे अंगूर का झब्बा होता है, केला का हत्था होता है,
ये सब भी कलेक्टिव नाउन के एक उदाहरण है। अगला नेक्स्ट मेटेरियल नाउन। ए मेटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड और बेग बट नॉट काउंटेड। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि इसे खाया जाता है, जा सकता है, पिया जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता है, इसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन को हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा से ऐसा संज्ञा शब्द जिससे हमें द्रव्य का पता चलता है, वस्तु के होने का पता चलता है, जिसे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आयल, आयल को हम नाप तौल सकते हैं। वाटर, वाटर को भी हम माप तौल सकते हैं। मिल्क, बटर, गोल्ड, गोल्ड को भी हम माप तौल सकते हैं। तो इसमें आयरन भी हो सकता है ना। तो ऐसा संज्ञा शब्द जो हमें वस्तु की जानकारी देता है, द्रव्य होने का जानकारी जिससे मिलता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जिससे हमें भाव का पता चलता है, हाव भाव। हाव भाव जिस संज्ञा से हाव भाव को पता चलता है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट सीन और टच्ड बट ओनली थॉट ऑफ। ऐसा संज्ञा शब्द जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। ऐसा संज्ञा शब्द जिसके बारे में हम सिर्फ विचार कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी किसमें कितना है, इसको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, इसे हम विचार कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि ये अच्छा, ज़्यादा ईमानदार है, कम ईमानदार है। गुडनेस, अच्छाई, उसमें कितनी अच्छाई है, कितना अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है, सिर्फ अच्छा है। तो पॉवर्टी, गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीब, कम गरीब, गरीब। तो ऐसे संज्ञा शब्द जिससे हमें भाव का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चे, इन पांचों संज्ञा शब्द को अच्छी तरीके से स्पेलिंग के साथ इसको आप घर पर बैठ करके याद कर लें, और याद करने के बाद इसको लिख के देखें। यू फर्स्टली लर्न एंड आफ्टर दैट यू राइट इट एंड लर्न ब्रीफली बाय विल। बच्चे घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।